अच्छा अवसर है सिनेमिक्स में काम करने वालों के लिए, आगे का भविष्य उज्ज्वल है, अच्छा भविष्य। भारत के बाहर कहाँ कहाँ बताया आपने? जापान, जापान, ताइवान, चाइना, अगर पास जाना है तो ये तीन कंट्रीज में आप बहुत अच्छा सिरेमिक सीख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास वो आर्थिक तौर से बहुत समृद्ध नहीं है शायद, वो भारत में भी कहीं जाके 6 साल लगाना उनके लिए बहुत कठिन होगा। जी जी, तो ऐसे बच्चों को क्या सुझाव देंगे कि वो इस ऐसे बच्चों को फिर शांति निकेतन भी जा सकते हैं? वो शांति निकेतन, शांति निकेतन में अच्छा सिरेमिक सिखाया जाता है, बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में अच्छा सिरेमिक सिखाया जाता है। थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज है उनको तो भारत भवन, जैसे भारत भवन भी जाकर वो सीख सकते हैं, लेकिन भारत भवन में कोई सिखाया नहीं जाता है। आपको थोड़ा बहुत पहले से आना होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर आप वहाँ कंटिन्यू करें। और यहाँ कम से कम 5 से 6 साल आपको देना चाहिए। हाँ, सीखते हुए किसी भी कला माध्यम को समझने के लिए, हालांकि पूरा जीवन ही कम होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अभी भी सीखता हूँ कुछ नई टेक्निक, नया कोई टूल दिख जाता है तो प्रयोग करता रहता हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं पूरे जीवन भर कला में अलग अलग माध्यमों में प्रयोग करते रहूँ, यही मेरा काम होगा। कुछ बड़ा और कुछ मोनालिसा नहीं बना दी मुझे, मेरा कभी सपना नहीं रहा कि मैं कोई ऐसी प्रसिद्ध कृति बनाऊँ ये हो। मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे प्रयोग करना चाहता हूँ, प्रयोग की समृद्धि का कलाकार बनना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ पूरी रात सोए नहीं किसी ऐसे ही किसी प्रयोग? हाँ, कई बार शुरुआत में तो कई बार होता था कि जब हम लोग इंदौर में थे या भारत भवन में थे तो रात रात भर नुसरत फतेह अली खान को सुनते हुए कुछ ड्राइंग करते हुए या काम करते हुए। ये तो ठीक है, एक तो एक सामान्य प्रक्रिया। कभी ऐसा हुआ कि रात को सो रहे हैं एकदम से 2 बजे नींद खुली और लगा यार अभी देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, सुबह तक पता नहीं है कहीं निकल ना जाए, बिल्कुल कहीं और ना चला जाए। बिल्कुल ऐसा हुआ? बिल्कुल। तो उस समय क्या चल रहा? अधिकतर हम रात को ही इस तरह से होता है। तो दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त अचानक? ये देखिए, जो कला का जो एक सोचना या चिंतन या मनन है, भले ही अगर आप स्टूडियो में नहीं हैं, भले ही आप कैनवास के सामने नहीं हैं, लेकिन अगले चित्र की पूर्व तैयारी आपके, भले ही आप साइकिलिंग करें या खाना खाएं या किसी व्यक्ति से बात करते हुए, या अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक कोने में अगले चित्र की पूर्व पीठिका या पूर्व तैयारी या उसके बारे में चिंतन मनन शुरू हो चुका है। और जब मुझे कभी भी अचानक लग सकता है कि थोड़ा सा उसको ड्राइंग कर लिया जाए, वो जो चल रहा था वो ड्राइंग के स्तर पर आ गया है या कुछ नोट लिखना है तो वो उस वक्त लिख सकते हैं, वो कभी भी क्लिक हो जाता है। कभी कुछ टीवी देखते हुए अचानक कुछ याद आ जाता है तो हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं या लिख लेते हैं। कभी झुंझलाहट हुई कि दिमाग में कुछ चल और रहा था और वो उतर नहीं पा रहे ज़मीन पर, मतलब आप सोच रहे हैं जो उसे उतार नहीं पा रहे हैं, ऐसे कभी झुंझलाहट हुई? दिमाग को मैं आमतौर पर अब कला कम कर्म करते हुए उसको मैं विराम ही देता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा है कि कला जो है वो दिमागी खेल बिल्कुल नहीं है, ये दिमागी कसरत नहीं है। पूर्व पीढ़ी का पहले, क्योंकि अगर ये दिमागी कसरत होती तो जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या टीचर हैं या जो ऐसे गुणी लोग हैं, डॉक्टर हैं जिनके पास दिमाग, तो ये लोग बड़े कलाकार होते हैं। कलाकार के पास में, मतलब कला के लिए दिमाग कोई एक आवश्यक टूल नहीं है। जैसा आपने कहा कि कोई भी तस्वीर जमीन पे आने से पहले दिमाग में तैयार हो जाती है। हाँ, तो वो जो दिमाग में जो तस्वीर तैयार हुई है, जो मूर्ति बनी है दिमाग के अंदर, वो ठीक उस तरह से जमीन पे उतर नहीं पा रही है। तो ऐसी कभी कोई झुंझलाहट हुई कि आप जो सोच रहे थे, जो आपने तैयार किया था जी, जी, जी। अपने अंदर, वो सामने दिख नहीं पा रहा है, ये कभी हुआ आपके साथ? देखिए, मेरे साथ में ऐसा बहुत कम हुआ है। हुआ है कम, बहुत ही कम, क्योंकि मैं अपने चित्र की या अपने शिल्प की कोई पूर्व ड्राइंग नहीं करता हूँ, वो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन झुंझाहट इस सेंस में होती है कि कुछ कुछ एक आध विचार अटक जाता है, उसको हूबहू बनाने की झुंझाहट नहीं होती है। कुछ कोई द्वंद चलता रहता है कि पहले ये करें या पहले वो करें, पहले ये करें या पहले वो करें, या कुछ दो चार विचार एक साथ दिमाग में आ जाते हैं तब झुंझलाहट होती है, या कभी कभी एक बहुत ही शून्य आ जाता है दिमाग, कोई विचार ही या कोई कल्पना ही नहीं आती, तब भी बड़ी झुंझलाहट होती है। और ये हर कलाकार के साथ होता है। पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ ही होता है, हम 6 महीने लगातार अच्छे काम करते हैं, एग्जीबिशन हो जाती है और घूम के आ जाते हैं, 1-2 साल बड़ा अच्छे से रहा, और फिर कुछ 15-20 दिन ऐसे होते हैं कि लगता है कि अब हमारा कलापन ख़त्म हो गया है, अब शायद मैं एक भी चित्र बना नहीं पाऊँगा या एक भी ड्राइंग नहीं कर पाऊँगा, इस तरह से होता है, एकदम शून्य आ जाता है।
मतलब कुछ भी बनाने का आपको मन नहीं होता है, और कुछ भी अगर आप जबरदस्ती बैठते भी कैनवास पर तो बहुत ही वो कुछ अजीब सा कुछ बन जाता है, लगता ही नहीं कि आपने बनाया है। तब संशय होता है कि जो हमने पिछला बनाया है वो ठीक है, या फिर जो अभी जो नहीं बन पा रहा है वो ठीक है। फिर मैंने अपने कुछ वरिष्ठ चित्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ हर 6 महीने में होता है, तुम्हारे साथ तो 2 साल में एक बार हुआ है, तो ये इस तरह का। तब फिर उन्होंने कुछ तरीके बताए कि ऐसा अगर समय आता है तो ये एक अंतराल का समय है, जैसे 2 शब्दों के बीच का एक स्पेस होता है, फेज है। हाँ, तो वो उसको आप उस पर आप ज़बरदस्ती मत ध्यान दो, तुम जीवन को जियो। अगर कैनवास पे अगर नहीं बात बन रही है तो जहाँ बात बन रही है घूमो, फिल्म देख कर आ जाओ या कुछ और कर लो। तो ये फिर जो यात्राओं का सिलसिला जीवन में शुरू हुआ उन्हीं लोगों को सुन के हुआ क्या? नहीं, यात्राओं का सिलसिला तो जो मेरी कला है, कला को लोगों ने देखा, फिर उसको प्रशंसा की और फिर बुलाया, और उस वजह से शुरू हुआ। नहीं, जो यात्राएं हैं ये कहीं ऊब से निकलने के लिए है या जीवन को नए तरह से जीने के लिए? यात्राएं अधिकतम नया सीखने के लिए है, क्योंकि अब जिस उम्र में हूँ मैं 42 ईयर्स का, तो अब तो कोई इंस्टीट्यूशन में हूँ नहीं मैं, लेकिन सीखने की जिज्ञासा और सीखने का अवकाश मेरे मन में अभी भी है। तो यात्राएं ही वो अवसर प्रदान करती हैं जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, देखते हैं, और वो फिर हमारे काम की निरंतरता में एक सौंदर्य बोध को। और ये साइकिल चलाना कैसे शुरू हुआ फिर? साइकिल से मेरा काफ़ी पुराना संबंध रहा है स्कूल के समय से। इंदौर में मैंने साइकिल चलाना सीखा, पूरा इंदौर, फिर मध्य प्रदेश, पूरी नर्मदा घाटी, पूरा छत्तीसगढ़, और जापान में भी मैं 600 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, यूरोप में कई देशों में साइकिल चला चुका हूँ, पूरा दिल्ली और आसपास भी साइकिल। क्या साइकिल से दुनिया थोड़ी अलग? साइकिल मेरे लिए एक ध्यान की तरह है, मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है कि साइकिल, और मैं अकेला चला जाता हूँ तो एक वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरह, अंतर चिंतन की तरह है, अपने आप से संवाद करने का एक माध्यम है। और जो हमारे आसपास जो गतिशील समाज है उसमें आप एक इस वाहन को लेकर निकलते हैं तो फिर आपको लगता है आप इसमें फिट होंगे कि नहीं होंगे इस गतिशील में, एक चैलेंज, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप मैं साइकिल चलाता हूँ तो मुझे काफ़ी गौरव होता है कि जो लोग कार से घूम रहे हैं या जिनको जल्दी है और मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और बहुत रिस्की है हर काम, बिना रिस्क के तो कोई गेन है नहीं। साइकिल चलाना दिल्ली जैसे शहर में पिछले 5 साल पहले इतना रिस्की नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा साइकिल की। जब मैंने अभी आपको कहा ना कला में, जब तक समाज को साइकिल की उपयोगिता नहीं होगी तब तक वो समाज साइकिल को अपनाएगा नहीं, भले ही हम कितने भी प्रचार कर लें, क्योंकि टीचिंग भी वही कामयाब होती है जो टीचर खुद उसको फॉलो करे। आप खादी खादी करते रहिए, जो खादी का भाषण देने वाले अगर रेमंड्स का ये सब पहन के आएंगे तो फिर वो खादी कहाँ। यात्राओं के दौरान एक दिन में कितनी यात्रा कर लेते हैं साइकिल से आप? अगर आप यात्रा पर हैं साइकिल, अगर यात्रा में हैं तो एक दिन में 100-125 किलोमीटर कर सकते हैं साइकिल से, कर सकते हैं। क्योंकि आप साइकिलिंग भी अच्छी हैं, सारी अच्छी आधुनिक साइकिल हैं, अच्छे आधुनिक गैजेट हैं, सेफ्टी गैजेट्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नाइट राइड भी करते हैं, अच्छी लाइट्स भी हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे थोड़ा एक अलग सवाल कि सेरेमिक्स में जब आप कई जगह कोट करते हैं अलग अलग लोगों को, कभी कोई अच्छी कविता, कभी कोई अच्छा होता है, तो इसके चयन की कोई प्रक्रिया है या बस आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा लगा तो आपने उसको उद्धृत कर दिया कहीं? नहीं, देखिए ये जो कविताओं के साथ में मेरे काफ़ी प्रयोग रहे हैं, अलग अलग माध्यमों में प्रयोग रहे हैं। एक अभी एक कपड़े की किताब हमने बनाई थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो, और सबसे पहला प्रयोग मेरा यही था। ये जो आपने देखा अभी ये सब घड़ियों के डायल हैं एक्चुअली, तो कविता घड़ी बनाई थी, तो इसमें मेरे जो 5 प्रिय कवि थे उनकी कविताएं मैंने इसमें लिखी थी, अग्गे और अशोक वाजपेयी, जगदीश स्वामीनाथन, ध्रुव शुक्ल और शिरीष ढोबले, तो इनकी कविताएं जो मुझे प्रिय थी उनको, उनकी अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियाँ या अगर छोटी कविता है तो पूरी छोटी कविता उसमें लिखी थी। और उसके बाद में फिर कुंवर नारायण जी पर भी मैंने पूरी एक श्रृंखला की थी, कुंवर नारायण जी की 75वीं वर्षगांठ पर कुछ सिरेमिक के पात्र डिज़ाइन किए थे,
उसमें घड़ियाँ भी शामिल थी डायल, तो उसमें उनकी कविताओं की पंक्तियाँ, उनके हस्ताक्षर और वो सब भी एक किया था। वो भी बड़ा अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा था। अब दिल्ली और भोपाल में यही अंतर है कि दिल्ली में अगर इस तरह का हम इवेंट करते हैं, कोई अगर कविताओं से या कुछ प्रयोगात्मक कोई छोटी चीज़ करना चाहता है, तो दिल्ली में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि दिल्ली में और भोपाल में जैसे 5 साहित्यकार रहते हैं तो यहाँ 50 रहते हैं, और दूसरी भाषाओं के भी ला लें तो 500 साहित्यकार लोग रहते हैं यहाँ, तो वो एक अप्रिसिएशन की गुंजाइश दिल्ली में ज़्यादा है। तो दिल्ली एक काम करने की जगह है, एक जो रियाज की जगह है मेरी, रहने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पर रियाज करता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि कहाँ रहना चाहोगे तो शायद मैं दिल्ली के अलावा ही कोई दूसरा नाम लूँगा। जबकि दिल्ली के लिए कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जगह जो है ये चिंतन की जगह नहीं है, चिंता की जगह है, और व्यक्ति के अंदर जो एक रचनाकार है उसको दिल्ली सबसे ज़्यादा मारती है। जी जी जी। और आप तो उससे शायद कुछ अलग बात कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो चिंता चिंतन और मारा कूटी वाला जो संघर्ष वाला दौर था, वो मैं पहले ही उससे तैयार होकर ही आया। वो फेस 8 या 10 साल का जो फेस था वो जा चुका है। अब उससे अब रियाज वाला एक परफॉर्मिंग स्टेज वाला एक, अब मुझे यहाँ पर अपना प्रदर्शन करना है, तो एक रियाज और प्रदर्शन की जगह है। लेकिन दिल्ली के लिए तो लोग मानते हैं कि ये सोचने और समझने और विचार करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं छोड़ती आपके जीवन में। हाँ, अगर आप दिल्ली की धमनियों में शामिल हो जाते हैं तो शायद आपको दिल्ली समय न दे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं करता हूँ, अपनी सुबह खुद ही तय करता हूँ, अपनी रात भी खुद ही तय करता हूँ, तो मेरे लिए उतना समय है, दिल्ली को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो ये जगह तो देश का कोई भी हिस्सा हो सकता है, जब आपने दिल्ली के साथ आप कनेक्ट नहीं बिल्कुल है, तो वो दिल्ली हो जी या भोपाल हो या हरिद्वार हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई भी शहर हो सकता है, तो फिर दिल्ली ही क्यों? दिल्ली इसलिए क्योंकि जैसे कभी मुझे मन किया कि मैं आज किसी से मिलता हूँ या अपने कुछ नए काम किए किसी को दिखाता हूँ, तो यहाँ गुंजाइश है कि आप फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आई एम कमिंग इन हाफ एन आवर। भोपाल से मैं कहूँगा कि 3 दिन बाद आऊँगा, तो 3 दिन बाद सामने वाला हो सकता है अमेरिका चला जाए या कनाडा चला जाए, यहाँ पर एकदम गति वाला काम है, तो इसलिए दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ, किसी को भी यहाँ पर मैं तुरंत मिल सकता हूँ।